नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट क्वार्टर वन का। पीवीआर सिनेमा का रिजल्ट आ चुका है, पीवीआर का, ठीक है, क्वार्टर वन का। इसमें मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर जो पीवीआर सिनेमा है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस टाइम पे। जो कंसोलिडेट लॉस आफ्टर टैक्स जो हुआ है 226 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में यही जो था वो प्रॉफिट था 18 करोड़ का। अब की बार जो लॉस हुआ इसी क्वार्टर में 226 करोड़ का लॉस हुआ टोटल। अब मैं बात करता हूँ रेवेन्यू की, तो 2021 क्वार्टर वन ये टोटल रेवेन्यू वो 55 करोड़ है रही है, और जबकि पिछले साल यही रेवेन्यू 2020 में पिछले साल यही रेवेन्यू था 287 करोड़। इस क्वार्टर में रेवेन्यू रहा है 55 करोड़, और वही रेवेन्यू था 287 करोड़ पिछले क्वार्टर की, पिछले साल के क्वार्टर में, ठीक है, सेम क्वार्टर में। अभी हुआ क्यों है? ड्यू टू अनब्रेक COVID-19 एंड कंसिक्वेंट लॉकडाउन की वजह से हुआ है। आप सबको मालूम है सिनेमा हॉल हमारे बंद चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टिसेशन, इनकी एबिटा को जो लॉस हुआ है वो 73 करोड़ का लॉस रहा है अगेंस्ट यही पिछले क्वार्टर, पिछले साल के क्वार्टर में यही जो था वो 285 करोड़ के पॉजिटिव फ्रेम में था। अभी है 73 करोड़ के नेगेटिव फ्रेम में, लॉस में है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी अंडरटुक ए सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स इंक्लूडिंग टेम्पररी पे कट्स, वर्क फोर्स रिडक्शन, सस्पेंशन ऑफ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर टेम्प्रेरी परमानेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंजेस टू एग्रेसिवली कंट्रोल द कॉस्ट। कुल मिला के इन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल किया है, और पीवीआर बोल चुका है कि ये जो सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं हम लोग, लगभग जो फिक्स जो मंथली कॉस्ट जा रही है वो 32 करोड़ की जा रही है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इन्होंने मैनेज किया अच्छे। इस सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन कंडीशन है, सिचुएशन ख़राब है, फिर भी इन्होंने मैनेज किया है। जो मंथली है वो कॉस्ट लग रही, मंथली कॉस्ट फिक्स है 32 करोड़ की, ठीक है। लोअर है जो कि 150 करोड़ था यही पिछले साल के महीने में, 150 करोड़ महीने का खर्च था, जो कि 32 करोड़ फिक्स महीने का मंथली खर्च कट डाउन किया, 32 करोड़ कर दिया है, ये काबिलियत तारीफ है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर पीवीआर आल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड राइट इशू, सक्सेसफुल कंप्लीट रहा था, इस किया था इसने, 300 करोड़ रुपये जुटाए थे इसने, और इसका जो सब्सक्रिप्शन रहा था इस इशू का, राइट इशू का, वो 2.24 के मल्टीपल में रहा था, जो कि हाईएस्ट है सब्सक्रिप्शन फॉर द राइट इशू इन द लास्ट 15 ईयर्स। अब दिस इज ट्रूली रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर्स हैव इन कंपनी एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस टेम्पररी सेटबैक्स, ये बोला है कंपनी ने। अब बात करते हैं पीवीआर आल्सो सेट किया 550 पर करोड़ का लिक्विडिटी अवेलेबल इंक्लूडिंग द अनड्रॉन बैंकिंग लाइंस ऑफ 155 करोड़, विच इज सफिशियंट सस्टेंट ऑपरेशन के लिए सफिशियंट है। चेयरमैन एंड एमडी डायरेक्टर अजय बिजली ने बोला है कि जो COVID-19 प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस है टू ऑल बिजनेस के लिए, सभी बिजनेस के लिए, विद द सिनेमा रिमेनिंग क्लोज विथ वी शिफ्टेड आवर अटेंशन टू कॉस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है। आवर डिसिप्लिन एफर्ट एंड मैनेज कॉस्ट एंड लिक्विडिटी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट आवर एबिलिटी टू नेविगेट द अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस, मीन्स वो चैलेंज लिया है उन्होंने और कंट्रोल कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्ट के लिए। अभी सिनेमा हॉल बंद है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीरियड है कैसे भी करके निकले अच्छे से, ये मैनेज अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, कॉस्ट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसने जो टोटल दिया हुआ रिटर्न 280% दिया है टोटल 2006 से अभी तक, और 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल का रिटर्न दिया 40%, और इसकी बात करें तो आप 60% इसमें इन्वेस्टर बोल रहे हैं आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं फाइनेंशियल इसके बारे में बात करूं तो ये रेवेन्यू सेगमेंट है कि रेवेन्यू रहा है लगातार बढ़ता रहा है रेवेन्यू, तो कहीं ना कहीं फिगर तो ठीक है, अच्छा है फिगर। मैं बात करता हूं इबिटा की, 2018 में 431, 2019 में 618 करोड़, 2020 में 1113, इसका मतलब है इबिटा ही बढ़ा है। इनकम की बात करूँ, इनकम भी बड़ी 124, 189 करोड़, 127 करोड़, बस 2020 में तो आपको मालूम है
प्रॉफिट चल रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, 2018 में 26 था, 2019 में 39 रुपये था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस टाइम पे ही प्रॉब्लम है कोविड की वजह से। बैलेंस शीट की बात करूँ तो टोटल एसेट्स था 2224 2017 में, उसके बाद बढ़कर 2348, उसके बाद बढ़े हुए हैं 3824 40 करोड़ 2019 में। और लाइबिलिटी की बात करूँ तो 2016 में रहा है 975, फिर 1219, फिर 1272, फिर 2344 लाइबिलिटी रहा है। तो टोटल इक्विटी की बात करें तो 2017 में इक्विटी रहा है 1005 करोड़ रुपये, 1076 करोड़ रुपये, 1496। कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब फ्रेंड्स मैं इसके चार्ट की बात करता हूँ, पीवीआर के चार्ट अभी 1100 करंट प्राइस चल रहा है। चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए शेयर। शेयर तो अच्छा स्टॉक अच्छा है, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बहुत ऊपर जाएगा, बूम करेगा ये स्टॉक, है ना। तो मैं समझता हूँ आप इसको में बाय कर सकते हैं। इसको किस पे बाय करना है ये बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए अभी ये बिल्कुल डाउन चल रहा, बहुत सही टाइम है अभी बाइंग करने का। अब इसमें तो मैं जान दो, इसने सपोर्ट का लेवल टूट ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 है इसका 888 पे। ठीक है, 880 के आसपास आप ले सकते हैं, सपोर्ट 2 है। अगर यहाँ तक आता है तो वैसे तो आप 1000 पे भी ले सकते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर इससे नीचे जाता है तो सपोर्ट 2 सपोर्ट जो सेकंड है ब्रेक होगा 890 पे, तो 890 के आसपास आप ले सकते हो। 890 बिल्कुल सही प्राइस है, 890 880। ठीक है, तो ये सही प्राइस है इसकी, है ना। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।